तो हम एरे पढ़ेंगे, क्योंकि एरे बनाए लूप के लिए और लूप बनाए एरे के लिए। अगर एरे मौजूद है और लूप नहीं है तो एरे किसी काम का नहीं है, और अगर लूप मौजूद है और एरे नहीं है तो मतलब कुल मिला के बात ही कि दोनों एक दूसरे के बगैर किसी काम के नहीं है। अच्छा तो अब एरे क्या चीज़ है, आ जाते हैं भाई ज़रा वापस यहाँ पे। हाँ नई फाइल बना रहा हूँ, 15 डॉट एरे। हाँ नहीं, जहाँ पे लूप आएगा वहाँ पे एरे लाजमी आएगा, उसके बगैर दोनों एक दूसरे के बगैर बेकार है, काम नहीं है दोनों का भी। अभी देख लेते हैं, अभी हम देख लेते हैं, पहले हम पढ़ लेते हैं ना, फिर हम यूज़ केसेस सोचेंगे कि क्या कोई ऐसा यूज़ केस कभी भी ऐसा हो सकता है कि एरे आ जाए और लूप ना आए, या कभी भी कोई ऐसा केस हो सकता है कि सिर्फ लूप आए एरे वहाँ पे एग्जिस्ट ही ना करता हो। ठीक है तो वो हम देखते हैं। अच्छा तो मैंने कहा एच वन सही है, एरे डेटा टाइप, एरे जो है वो एक्चुअली डेटा टाइप है हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर। अच्छा डेटा टाइप अभी तक हम कौन कौन सी पढ़ चुके हैं, नंबर स्ट्रिंग बूलियन। ठीक है बूलियन भी वेरिएबल में डाल सकता हूँ ना मैं मतलब ऐसे बोल सकता हूँ ना लेट इज ओपन इक्वल्स टू ट्रू। तो ये जो मेरा डेटा टाइप है ये बूलियन है, सही है। इसकी जगह अगर हम यहाँ 1 2 3 लिख दूँ मैं तो ये नंबर हो जाएगा डेटा टाइप। ठीक है तो हमने 3 डेटा टाइप अभी तक हमने पढ़ लिए, डिस्कवर कर लिए। अच्छा तो एरे में सबसे पहले हम सीखते हैं एरे को बनाया कैसे जाए। लेट जैसे एक नॉर्मल वेरिएबल बनता है, जैसे दूसरे डेटा टाइप बनते हैं, जैसे दूसरे वेरिएबल, बिल्कुल उसी तरह इसमें लिखेंगे लेट। उसके बाद लिखेंगे हम एरे का इस वेरिएबल का नाम। अच्छा नाम क्या लिखूंगा मैं, एस टी यू डी ई एन डी स्टूडेंट, इसमें एस लगाऊंगा मैं, ये लगाना ज़रूरी है। ठीक है और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और क्लोज। अच्छा ये ऐसा अगर आप नहीं लगाएंगे ना तो कोड आपका बिल्कुल सही चलेगा, सही है। ये कन्वेंशन है, ये एस लगाना क्या है, कन्वेंशन है कि कोई भी अगर एरे टाइप का वेरिएबल होगा तो उसके नाम के साथ एस लगा हुआ होगा, तो आप देख के समझ जाएंगे ये एरे है। अच्छा अगर कोई एरे टाइप का वेरिएबल नहीं है तो उसके नाम के साथ एस नहीं लगाना है आपने, अगर एस लगाएंगे तो वो मसला है, क्योंकि लोगों को देख के लगेगा कि ये वेरिएबल एस लगा हुआ है तो एरे होगा। ठीक है तो एस आपको सिर्फ उस वेरिएबल के साथ लगाना है जो एरे वेरिएबल होगा, एरे टाइप का वेरिएबल होगा। ठीक है जैसा कि बूलियन के साथ क्या लगाते हैं आप, शुरू में इज़ लगाते हैं, उससे पता चल जाता है कि ये बूलियन वेरिएबल है, तो इसी तरह ये वाला भी चक्कर है इसका। अच्छा एस इसमें क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव डेटा टाइप है, इसमें एक से ज़्यादा वैल्यूज एक साथ स्टोर की जाती हैं। मिसाल के तौर पर नंबर का जो वेरिएबल होता है उसमें एक वक्त में एक ही नंबर होता है, भाई 25 मैंने एक नंबर रख दिया, अब मैं 25 को हटाऊंगा तो दूसरा नंबर रख सकता हूँ। ठीक है जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि लेट माई नम इक्वल्स टू 25। ठीक है अब मैं इसमें 25 के साथ कॉमा डाल के ना 34 नहीं रख सकता, दैट इज़ एन एरर, मैं इस 25 को हटाऊंगा तो दूसरा रखूंगा इसमें, अदरवाइज मुझे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि माई नम इक्वल्स टू 34, तो इस 34 के इसमें जाते ही 25 ख़त्म हो जाएगा, और 25 को रिकवर करने का भी कोई ऑप्शन फिर नहीं होता हमारे पास, ये हम देख चुके हैं। अच्छा तो इसी तरीके से हमारे पास जो एरे है ना इसके अंदर क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन होती है और क्लोज होती है। इसके अंदर मैंने कहा 22 कॉमा 34 कॉमा 12, ये तीन वैल्यू रखवा दी मैंने, तो ये तीनों वैल्यू इसमें स्टोर हो गई है, सही है, कलेक्टिव डेटा टाइप है ये। अच्छा ना सिर्फ मैं इसमें नंबर स्टोर करवा सकता हूँ बल्कि मैं कॉमा डाल के स्ट्रिंग भी करवा सकता हूँ, मैंने कहा ABC। ठीक है उसके अलावा मैं बूलियन भी रख सकता हूँ, ट्रू या फॉल्स कोई भी चीज़। ठीक है मैं नल भी इसमें रखवा सकता हूँ, अनडिफाइंड भी रखवा सकता हूँ, इसमें जितने भी डेटा टाइप है ना वो सब, इवन दो कि मैं इसके अंदर एक दूसरा एरे भी रखवा सकता हूँ। ये देख रहे हो आखिरी इंडेक्स पे मैंने एक पूरा दूसरा एरे रखवा दिया, इसमें 2, 3, सही है उसके अंदर भी कुछ वैल्यूज रखवा दी। इसको मैं दो लाइन में ब्रेक कर लेता हूँ,
सही है, इसको मैंने दो तीन लाइनों में ब्रेक कर लिया ताकि ये अच्छे से नजर आए, समझ में आए। देख रहे हो, कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। समझ आया? एरे बनाना समझ में आ गया कि कैसे बनेगा? देखो इस एरे में कितनी वैल्यूज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वैल्यूज हैं। अच्छा, नवी वैल्यू जो है वो खुद एक एरे है, क्योंकि एरे के अंदर एक और दूसरा एरे भी रखवाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन मैं इस वक्त फिलहाल इसको मैं हटा देता हूँ एरे के अंदर एरे को, क्योंकि इससे अभी कन्फ्यूजन बढ़ जाए, ठीक है। और ये अनडिफाइंड नल वगैरह को भी हटा देता हूँ मैं, सही है, ये रखा जा सकता है लेकिन अभी फिलहाल मैं हटा देता हूँ। अभी मैंने कितने कर दिए, 1, 2, 3, 4, 4 इंडेक्स रखे हैं मैंने, बाकी सारे हटा दिए जस्ट टू कीप इट सिंपल। लेकिन आपके पास डेटा आ गया, इन्फॉर्मेशन आ गई कि अच्छा वो भी रखवाया जा सकता है। अच्छा, तो एरे को कंस्ट्रक्ट करना यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। अब इस एरे में जो वैल्यू स्टोर हो गई है उसको मैं रीड कैसे करूँगा? एक नॉर्मल वैल्यू को हम कैसे रीड करते थे? मैंने कहा कि कॉन्सोल डॉट लॉग, इसमें मुझे प्रिंट करवाना है तो मैं माई नम को क्या लिख देता था, डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट कर देता था माई नम को, क्योंकि माई नम वाज अ सिंगल वैल्यू, ठीक है। माई नम क्या, एक सिंगल वैल्यू थी। लेकिन मिसाल के तौर पे अच्छा किसी के साथ प्लस माइनस करवाना होता था तो भी माई नम को मैं डायरेक्ट लिखता था। अब यहाँ पे मुझे 22 को अगर प्लस करना है 34 से तो मैं कैसे करूँगा? तो मुझे इसके लिए पता होना चाहिए कि वैल्यू एक्सेस कैसे होगी। अच्छा, तो वैल्यू एक्सेस ये कैसे होगी, कॉन्सोल डॉट लॉग स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट के आगे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर उसका इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर 0 से शुरू होता है। 0 का मतलब है ये वाला मिलेगा, 1 का मतलब है ये, फिर 2 का मतलब है ये, 3 का मतलब है ये। तो मैं 0 से लेके 1, 2, 3 मैंने सारी वैल्यूज को एक्सेस कर लिया यहाँ पर। अच्छा, अगर मैं 4 भी लिखूंगा जो कि इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता तो 4 में मुझे क्या मिलेगा, अनडिफाइंड मिलेगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में जब कुछ नहीं होता तो अनडिफाइंड होता है, ठीक है। तो ज़रा इसको इतने कोड को चला के देख लेते हैं कि क्या वाकई ऐसा करने से ये वैल्यूज एक्सेस हो पा रही हैं कि नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। तो हम इसको चला कर देख लेते हैं। अच्छा हाँ जी, तो 22, 34, 12 ABC और लास्ट में जो है मौजूद नहीं है उसमें अनडिफाइंड। तो हमारे पास ये डेटा एक्सेस हो गया, ठीक है, 22, 34, 12 ये मुझे इस तरह करके एक्सेस हो गया। अच्छा, तो ये जब ऐसे करके मैंने एक्सेस कर लिया ना तो ये बिल्कुल एक नॉर्मल वेरिएबल की तरह पे जो जो काम करवाना चाहूँ ना, कंसोल करवा सकता हूँ, 2 को प्लस करवा सकता हूँ, जहाँ पे भी मुझे एक्सेस करना हो वो ऐसे करूँगा। अच्छा, अब दो सवाल हैं। नंबर एक, जब मैं इसको ऐसे ही, जब ऐसे 0 और 1 लिख के जब नॉर्मल वेरिएबल की तरह ही बिहेव होता है तो मैंने अलग अलग भी तो बना सकता था, अलग अलग क्यों नहीं बनाया मैंने? भाई मैं अलग अलग वेरिएबल अगर बना दूँ, मैं बोलूँ कि लेट स्टूडेंट 0 इक्वल्स टू कोई वैल्यू दे दूँ उसको, फिर मैं स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 करके दे दूँ, ये भी तो कर सकता था मैं, क्योंकि अल्टीमेटली कर तो यही रहा हूँ ना मैं, इनको सबको मैं अलग अलग वैल्यूज़ दे दूँ, ठीक है। तो इस तरह करने में और एरे बनाने में क्या फ़र्क है, एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल ये कि ये जो एरे मैंने बना दिया है ये मेमोरी में क्या जगह लेगा, मेमोरी में कितनी जगह लेगा ये, क्योंकि हम दूसरे डेटा टाइप का तो देख चुके हैं कि नंबर होता है वो 64-bit फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, फिर स्ट्रिंग जो है वो 2 byte लेता है पर कैरेक्टर, जावास्क्रिप्ट में बूलियन 1 bit लेता है, ये कितना लेगा, डिपेंड ऑन वैल्यूज। अच्छा बताओ ज़रा सोच के इस वाले का, अरे जिसमें 4 8 ले रहे तो 8 प्लस 8 करना, क्या बात है यार, प्लस ये तो बड़ा जीनियस निकला। अच्छा तो बिल्कुल सही है, ऐसा ही है कि इसमें जो जो वैल्यू सेव होगी ना, जो जितनी जितनी मेमोरी ले रहा होगा तो ओवरऑल कलेक्टिवली ये फिर उतनी मेमोरी ले रहा होगा। जैसे नंबर जावास्क्रिप्ट में 64 bit लेता है या 8 byte लेता है, तो 8 और 8 16 byte और 8 24 byte, 24 byte ये हो गया, और उसके बाद ये 6 byte, 24 और 6 तो पूरे 30 byte ये लेगा इस वक्त राइट नाउ, ठीक है, 30 byte ये मेमोरी में लेना होगा। तो ये एरे का खुद का कोई साइज़ नहीं होता, वो एक्चुअली उसके अंदर जो डेटा होता है वो कलेक्टिवली जितना साइज़ ले रहे होते हैं तो एरे का भी वही साइज़ होता है। अच्छा, दूसरी बात ये
कि हम इसको ऐसे करके क्यों बना रहे हैं और अलग अलग वेरिएबल हम क्यों नहीं बना रहे हैं। हाँ एग्जिट में नहीं, मतलब स्टूडेंट जीरो लिखूंगा तो मैं यहाँ पे भी स्टूडेंट जीरो ऐसे लगा दूंगा ना। फिर असल में इस पे मैं आइट्रेट नहीं कर पाऊंगा, मैं इस पे लूप नहीं चला पाऊंगा। अच्छा लूप अभी हमने पढ़ा नहीं है, लूप अभी अगला टॉपिक है हमारा। तो जब आप अगला टॉपिक पढ़ेंगे ना लूप, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि हम इसको ऐसे करके क्यों बना रहे हैं, अलग अलग वेरिएबल क्यों नहीं बना रहे। अलग अलग वेरिएबल अगर हमने बना लिया तो प्रोग्रामेटिकली इस पे हम लूप नहीं चला पाएंगे। सही है, प्रोग्रामेटिकली इस पे हम लूप नहीं चला पाएंगे। तो हम उसकी एग्जाम्पल भी देखेंगे तो इंशाल्लाह जब समझ में आ जाएगी बात। अच्छा यहाँ तक इसमें कोई और सवाल आप लोगों का? जो हमने अभी तक एरे को कंस्ट्रक्ट करना सीख लिया, नंबर दो एरे को एक्सेस करना सीख लिया, ठीक है। अब तीसरी चीज़ क्या रह गई? एरे को मॉडिफाई करना, कैसे? स्टोर कर लिया, एक्सेस कर लिया, अब उसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो कैसे करेंगे हम? तो चेंज करना भी इसको बहुत आसान है। जैसे इसको एक्सेस कर रहे हैं ना स्टूडेंट ज़ीरो, इसी तरह करके मैं क्या बोलूँगा, स्टूडेंट्स ज़ीरो, और उसके अंदर मैं कोई भी चीज़ नहीं रखवा दूंगा। मैंने कहा भाई अरसलाम, ठीक है। तो ये स्टूडेंट ज़ीरो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जब मैं इसको पूरे को दोबारा प्रिंट करवाऊंगा यहाँ पे, तो ये मुझे क्या मिलेगा? स्टूडेंट ज़ीरो में अरसलान मिलना चाहिए मुझे, ठीक है। तो स्टूडेंट ज़ीरो में अरसलान मिलेगा। तो मैं जिस जिस को चाहूँ ऐसे करके मैं मॉडिफाई, स्टूडेंट वन को मैंने कहा कि क्या हो जाओ तुम, ज़िया हो जाओ। सही है, तो टू पे ज़िया आ गया, ठीक है। स्टूडेंट थ्री पे मैंने कहा कि भाई मलिक, सॉरी टू पे, ठीक है, अरसलान ज़िया मलिक। तो ऐसे करके मैं उसको मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। सही है, तो हमने एरे को कंस्ट्रक्ट करना, उसको एक्सेस करना और उसको मॉडिफाई करना, ये तीन चीज़ें हमने सीख ली। अच्छा इस एरे के अंदर जो अभी चार वैल्यूज है ना, इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी वैल्यू चाहे इसके अंदर रख सकते हैं। सॉरी, हाँ कॉमा कॉमा डाल के ना यहाँ पे आप जितनी वैल्यू चाहे रख सकते हैं, 2000 आइटम रख दें उसमें। हाँ फोर लेकिन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती ना, तो फोर में क्या मिला आपको? अनडिफाइंड मिला। तो आप फाइव लिखेंगे तो भी अनडिफाइंड मिलेगा, 5000 लिखेंगे तो भी अनडिफाइंड मिलेगा। देखें आप, मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा ये एरे के अंदर जो मौजूद है ना, इसको हम वेरिएबल नहीं बोलते, इसको हम वैल्यूज़ बोलते हैं, ठीक है। वेरिएबल तो ये एरे पूरा एक वेरिएबल है, कलेक्टिव वेरिएबल है, एक अलमारी है पूरी जिसके अंदर बहुत सारे खाने हैं। लेकिन ये ऐसी अलमारी है, आप जितने खाने ऐड करते जाएँ होते जाएंगे इसमें। तो अभी इसके अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं? चार वैल्यूज़, ठीक है। तो मैंने ज़ीरो से लेके थ्री तक, सही है, ज़ीरो से लेके थ्री, क्योंकि ज़ीरो बेस है इसका इंडेक्स, ज़ीरो से शुरू होता है, तो थ्री तक मुझे ये वैल्यूज़ मिल रही हैं। जब मैं फोर को एक्सेस करता हूँ तो मुझे अनडिफाइंड मिलता है। अब मैं यहाँ पे अगर एक चौथी वैल्यू लगा दूंगा तो अब मुझे फोर अनडिफाइंड नहीं मिलेगा, मुझे फोर पे ये वैल्यू मिलेगी। अच्छा इसकी मैंने आपको बताया कि नो लिमिट है, कोई लिमिट नहीं है इसकी। इसमें आप 10000 आइटम भी रखवा सकते हैं एरे के अंदर, आप 10000-20000 आइटम भी आप रखवा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप यहाँ पे 10000 लिखेंगे तो 10000 पे अगर कोई आइटम हुआ तो वो आपको मिल जाएगा, नहीं हुआ तो अनडिफाइंड मिल जाएगा, ठीक है। तो साइज़ का एरे में कोई लिमिट नहीं है। हाँ एक लिमिट है साइज़ में एरे में, कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो रैम मेमोरी है ना, अगर वो उससे ज़्यादा बड़े साइज़ का आपने एरे किया तो वो फिर कोड ब्रेक हो जाएगा आपका। सही है, आपके कंप्यूटर में 8GB रैम है। अच्छा ज़ाहिर है 8GB रैम पूरा आपको तो नहीं मिला हुआ, और भी चीज़ें तो चल रही हैं पीछे। तो जो अवेलेबल मेमोरी है ना आपके पास, उससे अगर आपका एक्सीड कर गया ना ये, तो फिर आपका कोड ब्रेक हो जाएगा, कोड फट जाएगा आपका, उसके आगे फिर ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो वो उसको पता लगाने का तरीका होता है जावास्क्रिप्ट में कि करंटली इस कंप्यूटर में कितनी मेमोरी अवेलेबल है। यही वजह है कि जब आपको याद होगा सीडी के ज़माने में जब आप लाते थे फोटोशॉप की सीडी या कोई गेम की सीडी लेकर आते थे, तो उस पर पीछे क्या लिखा हुआ होता था? मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, कि प्रोसेसर इतना चाहिए, रैम 128 MB रैम चाहिए। तो मैंने जब वो संभाला था तो मैंने पेंटियम 3 देखा था, और मेरे पास जो कंप्यूटर था उसमें 128 MB रैम होती थी, ठीक है। तो जितनी भी सीडीज उस ज़माने में हुआ करती थी उसको मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या थी? 64 MB रैम।
64 MB मिनिमम रिक्वायरमेंट हुआ करती थी उस ज़माने में कि भाई ये जो गेम है, और छोटे छोटे गेम होते थे मिड नाइट मैडनेस और कार रेसिंग वाले, और ऐसी एक ही उसमें जो है ना एक ही चीज़ रिपीट होती थी, 200 राउंड होते थे लेकिन 200 के 200 एक जैसे होते, कुछ उसमें फ़र्क नहीं होता और हम खेलते थे उसको। तो उसमें क्या होता था, 64 MB से अगर आपकी कम है ना रैम तो वो आपकी कंप्यूटर पे वो कहते थे कि नहीं चलेगा, चल जाता था लेकिन स्लो वलो हो गया, लेकिन वो कहते थे कि भाई 64, तो वो 64 MB क्यों लिखा हुआ होता था उन्होंने, अभी भी लिखा हुआ होता है। अभी भी आप फोटोशॉप की वेबसाइट पे जाएंगे और आप लिखेंगे ना, यहाँ पे आप लिखेंगे कि विंडोज़ 10 मिनिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है, तो विंडोज़ 10 भी क्योंकि एक सॉफ्टवेयर है। अब देखो इसने क्या बोला कि 1 GB रैम इसमें मिनिमम रिक्वायर्ड है, मतलब विंडो जब बूट होगी ना, जब विंडो जब अप होगी तो 1 GB रैम इसने ले लेना है आपसे, सही है, और 16 GB का फ्री हार्ड डिस्क स्पेस भी इसको चाहिए। तो इन्होंने ये मिनिमम लिखा इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि इन्होंने जो अपने कोड में वेरिएबल बनाए हुए हैं वो 1 GB तक के वेरिएबल बनते हैं उसमें, वो कह रहे हैं 1 GB तक रैम होगी तो ही चलेगा, वरना ब्रेक हो जाएगा, कोड चलेगा ही नहीं। अच्छा तो ये हमने देख लिया भाई, अच्छा और किसी का कोई सवाल यहाँ तक, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ ये तुमने बड़ा अच्छा सवाल किया, तुम कौन सी लैंग्वेज पढ़ी है तुमने इसके अलावा? डेटा स्ट्रक्चर तुमने पढ़ा है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं उसी हिसाब से समझाऊंगा, क्योंकि कुछ दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा है जिन्होंने, उनको बता रहा हूँ कि एक होता है एरे, एक होता है एरे लिस्ट, एक होता है लिंक लिस्ट, एक होता है सर्कुलर लिस्ट, वो होता है ना गोल वाला, क्या बोलते हैं उसको, सर्कुलर लिंक लिस्ट वो। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ना एरे इस तरह नहीं होता, वो थोड़े थोड़े डिफरेंट होते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट का जो एरे है ये एरे भी है, ये लिंक लिस्ट भी है, ये सर्कुलर लिंक लिस्ट भी है, ये सब है, सबको मिक्स कर दिया इसके अंदर, क्योंकि एरे में ना सिर्फ पुश और पॉप का मेथड होता है, एरे में दरमियान से आप कोई चीज़ इसमें हो जाता है, लेकिन तो ये एरे के एडिशनल मेरी मिनिमम जो एरे का डेटा स्ट्रक्चर है, बाकी लोग प्लीज़ इस बात को इग्नोर कीजिएगा जो डेटा स्ट्रक्चर है वो नहीं पता। तो एरे में सिर्फ पुश पॉप होता है, बीच से चेंज नहीं कर सकते, शुरू से चेंज नहीं कर सकते, इसमें लेकिन हो जाता है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट से ऊपर निकल गया। अच्छा दरमियान में चेंज किस में होता है? लिंक लिस्ट में होता है, इसमें दरमियान में चेंज हो जाता है। शुरू में चेंज किस में होता है? लिंक लिस्ट में, तो कहीं पे भी चेंज करते रहो, लेकिन शुरू में ऐड और शुरू से रिमूव स्टैक में होता है, वो स्टैक भी इसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो इसमें शुरू से भी रिमूव और शुरू से ऐड भी हो जाता है। और कौन सा होता है डेटा स्ट्रक्चर? हाँ क्यू भी इसके अंदर, हाँ क्यू भी है इसके अंदर, क्योंकि शुरू से जब आप शुरू से जब शिफ्ट करते हैं ना शिफ्ट, तो वो शुरू से रिमूव होता है, आखिर से भी कर सकते हैं, तो सब इसके अंदर हो जाता है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें होती ना हो। लिस्ट ही है ये, सब कुछ है ये, लेकिन जावास्क्रिप्ट की डॉक्यूमेंटेशन में इसको एरे लिखा हुआ है, तो हम इसको एरे ही बोलेंगे, हम लिस्ट नहीं बोलेंगे, लेकिन जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए इसमें लिंक लिस्ट वगैरह सब इम्प्लीमेंट हुआ है, वो सारे मेथड इसमें मौजूद हैं जो डेटा स्ट्रक्चर में सब में होते हैं, ठीक है। एरे में डिक्शनरी अलग होता है, इसमें ऑब्जेक्ट इसके नाम से होता है, जेसन ऑब्जेक्ट, सही है। ये एरे तो सिंगल वाला होता है ना, सिंगल सिंगल वैल्यू, डिक्शनरी होता है की वैल्यू पेयर, तो की वैल्यू पेयर का एक और है अभी, वो हमने अभी देखा नहीं है, वो देखते हैं थोड़ी देर में। अच्छा तो भाइयों वो जा, अब वो बहुत एडवांस लेवल पे जाके होता है, आम तौर पे आप छोटे मोटे, यानी मैं आज तक मैंने एज अ फ्रीलांसर और अपनी कंपनी में जो भी मैंने बनाई है ऐप्स, उसमें मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी कि रैम कितनी मौजूद है इसके अंदर, क्योंकि आमतौर पे इतनी रैम ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इतना बड़ा एरे आमतौर पर बनता ही नहीं है, सही है। एरे बनता यही है कि 200 वैल्यू हो गई, 5 मिसाल के तौर पर एरे उस पर बनता है कि आपने वेदर का डेटा गेट करवाया API से, तो वेदर का डेटा कितने दिन का करवा लोगे, एक महीने का, तो 30 आइटम होंगे एरे में, पूरे साल का भी करवाओगे तो 365 आइटम होंगे, कितने दिन का करवा लोगे,
ठीक है, 10 साल का भी करवाओगे तो कितने होंगे, अगर मिली सेकेंड्स भी काउंट करोगे ना 1970 से लेके अभी तक के मिली सेकेंड, तो वो 15 डिजिट बनते हैं, 15 डिजिट बनते हैं या 13 डिजिट बनते हैं, तो कितना बड़ा नंबर आप करवा लोगे। तो आमतौर पर इतने बड़े की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मुझे, लेकिन अगर चेक करवाना पड़े तो मौजूद है तरीका। नहीं, अरे एक हो या दो, अगर रैम में जगह ही नहीं है तो फिर तो ब्रेक हो जाएगा ना, दो बनाने की ज़रूरत नहीं है, होगा तो एक में होगा और नहीं होना होगा तो दो में भी करके नहीं होंगे, क्योंकि अगर मेमोरी ही एक्सीड कर गई आपकी तो आप दो बनाओ तीन बनाओ, अल्टीमेटली रैम तो एक ही है ना, एक ही मेमोरी तो एक ही है, 8 GB या 16 GB जो भी अवेलेबल मेमोरी है। अच्छा, तो ये हमने ना एरे इस पॉइंट पे हमने कंप्लीट कर लिया। अच्छा, एरे के ना कुछ मेथड्स भी होते हैं, वो मैं आपको सरसरी सा बता देता हूँ, और उसकी एक लिस्ट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यही है इसके अंदर एरे के अंदर मेथड्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये ऊपर वाली तमाम चीज़ों को क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, और कमेंट करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एरे के मेथड्स, राइट। अच्छा, एरे का जो मेथड है ना वो आपको मैं समझाता हूँ क्या है। लेट माई अकाउंट, अच्छा एक मैंने शुरू में एम्प्टी एरे बना दिया, ये चलो मैं कुछ बना देता हूँ 200, 45, ठीक है, एक एरे है ये, कोई भी इसका नाम रख लो, या इसको माई अकाउंट नहीं रखते, इसका नाम रख देते हैं माई नंबर्स। अब मुझे क्या करना है, इसके लास्ट में मुझे एक नया नंबर ऐड करवाना है, ठीक है। ये मैं मेथड्स बता रहा हूँ, दो चार मेथड मैं बताऊँगा, बाकी मैं आपको एक लिस्ट दिखा दूँगा कि यार ये सारे होते हैं, वो आप एक्सप्लोर कर लीजिएगा, जब ज़रूरत पड़ेगी तो आप वहाँ से यूज़ कर लेंगे। मुझे इसके लास्ट में एक आइटम ऐड करवाना है, तो एक मेरे पास तरीका क्या है कि मैं बोलूँ माई नंबर्स का इंडेक्स ये 0 है, ये 1 है और 2, और मैं बोलूँ 2 पे इक्वल टू एक दूसरा नंबर रखवा दिया मैंने, तो ये भी एक तरीका है। लेकिन इसका प्रॉपर तरीका क्या है, जो जावास्क्रिप्ट की डॉक्यूमेंटेशन में हमें रेकमेंड किया जाता है कि आप इस पे कॉल करें डॉट पुश, ठीक है, डॉट पुश, और ये जो वैल्यू है ना ये इसके अंदर आ जाए, तो नंबर के आखिर में जाके ये वैल्यू अटैच हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो एक पहला मेथड हमने सबसे पढ़ा एरे का, जो मेथड है वो पहला मेथड हमने पढ़ा पुश। हम पुश 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 जितना करते रहेंगे ना, रिगार्डलेस के एरे की इस वक्त लेंथ क्या है, एरे का साइज इस वक्त क्या है, क्योंकि जाहिर है मुझे इंडेक्स नंबर 2 पे इसको ऐड करने के लिए मुझे ये भी तो पता होना चाहिए कि इस वक्त एरे का क्या साइज है, इस वक्त एरे का क्या साइज है, मुझे पता होगा तो जब ही मैं ऐड करूंगा ना आखिर में, लेकिन पुश में मुझे इससे मसला नहीं होता, ठीक है। बाय द वे, एरे का अगर आपको लेंथ मालूम करनी हो तो उसका तरीका क्या है, उसका तरीका ये है कि माई नंबर्स डॉट लेंथ आप लिखेंगे तो ये पूरी बात आपको क्या रिटर्न करती है, उस एरे में इस वक्त कितने आइटम है उसकी काउंटिंग रिटर्न करती है, जीरो बेस नहीं होगा वो, जैसे इस केस में अगर 2 है ना तो 2 ही रिटर्न करेगा, जीरो बेस उसका सिर्फ इंडेक्स है, ये काउंटिंग देगा, काउंट करके बताएगा कि 1 है 2 है 3 है, ऐसे करके काउंट करके बताएगा, ठीक है। तो ऐसे करके लेंथ भी, तो मिसाल के तौर पर अगर मुझे ये, अगर मुझे पता नहीं है कि लेंथ कितनी है तो मैं क्या लिखूँगा, ऐसे लिखूँगा लेंथ माइनस 1, क्योंकि इंडेक्स 0 बेस होता है ना, तो मैं ऐसे करके भी कर सकता हूँ। अब इसमें भी मुझे रिगार्डलेस के लेंथ कितनी भी हो माइनस 1 करके उसमें वो ऐड कर देगा, ठीक है, बल्कि माइनस 1 क्यों करूँगा मैं, ये मुझे 2 दे रहा है ना, हाँ तो माइनस 1 नहीं करूँगा, मुझे जितना है उसके आगे डालना है, तो मैं इसमें क्या लिखूँगा माई नंबर डॉट लेंथ, तो माई नंबर डॉट लेंथ में 2 मिलेगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आने का मतलब क्या है, इंडेक्स नंबर 3, सही है। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, लेकिन जावास्क्रिप्ट की डॉक्यूमेंटेशन में रेकमेंडेड तरीका पुश है। अच्छा, अब अगर मुझे लास्ट में से कोई नंबर रिमूव करना है, ठीक है, अभी जैसे कि मैंने पुश कर दिया ना तो अब इसमें 3 नंबर हो चुके हैं, मुझे लास्ट वाला नंबर अगर रिमूव करना है तो उसके लिए क्या है, पॉप। पॉप करने से लास्ट से नंबर रिमूव हो जाता है एरे के, ठीक है। अच्छा, इसी तरह माई नंबर डॉट अनशिफ्ट अगर मैं करूँगा तो अनशिफ्ट से क्या होता है, कोई भी आइटम अनशिफ्ट में लिखूँगा मैं, जैसे स्टार्ट लिख दिया मैंने, तो ये एरे के स्टार्ट में जाके
ऐड हो जाता है, ठीक है। और अगर शिफ्ट लिखूंगा तो एरे के शुरू में से एक वैल्यू को उड़ा देते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हमने देखे, पुश पॉप शिफ्ट एंड शिफ्ट, ये चार मेथड हमने देखे। तो एक एक करके जरा सबको चला के देखते हैं। मतलब पुश करने के बाद क्या होगा, अगर मैं कंसोल करवाऊंगा माई नंबर्स को, तो माई नंबर के अंदर तीन आने चाहिए, सही है। तो इधर करवा के देखते हैं, चला के देखते हैं, ठीक है। देखो तीन नंबर आ गए, 342 लास्ट में आ गया। अच्छा, अब मैं पॉप करने के बाद अगर इसको दोबारा प्रिंट करवाऊँ, मैंने पॉप कर दिया, अब दोबारा मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूँ, तो अब क्या होना चाहिए, ये जो नंबर ऐड किया था ये गायब हो जाना चाहिए दोबारा से। पॉप के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, पॉप का मतलब ये कि आखिर से एक उड़ा दो, जो भी है रिगार्डलेस, आखिर में से एक उड़ा दो जाके। अब मैंने रिफ्रेश किया तो देखो ये जो ऐड हुआ था ना, ये खुद से वापस गायब भी हो गया, सही है। अच्छा, अब क्या करना था मुझे, अनशिफ्ट, हाँ रिटर्न भी करता है उड़ाने के साथ, ठीक है। पॉप असल में क्या करता है, जो नंबर उड़ा है ना वो रिटर्न भी करता है, यानी ये खुद जब पॉप हटेगा ना तो उसकी जगह पे वो वैल्यू आ जाती है जो आखिर से उड़ाई है इसका, वो भी कभी कभी हम यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, तो अनशिफ्ट मैंने जब किया तो अनशिफ्ट का मतलब क्या है कि जो भी वैल्यू मैंने अनशिफ्ट के अंदर लिखी है वो स्टार्ट में जाके ऐड कर देगा। और अब कंसोल करा के देखते हैं कि स्टार्ट में स्टार्ट लिखा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। देखो इसमें स्टार्ट में स्टार्ट लिखा हुआ है, स्टार्ट में एक वैल्यू ऐड हो गई। अच्छा, उसके बाद शिफ्ट करूँगा मैं तो वो वैल्यू शुरू में जो मैंने अभी अभी ऐड की थी वो गायब हो जानी चाहिए, तो वो गायब हो जाएगी, ठीक है। देखो अभी इसमें क्या हुआ, गायब हो गई। तो ये चार मेथड मैंने आपको बेसिक यहाँ पे करके दिखा दिए। अच्छा, अब मैं आपको क्या दिखाता हूँ, एरे मेथड्स, सही है। अच्छा, ये जावास्क्रिप्ट ही आया है शुरू में, ये एरे के जो मेथड है ना जितने भी, वो यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है बताए हुए हैं, जैसे एरे डॉट ज्वाइन, सही है, एरे डॉट पुश पॉप, सही है, एरे डॉट पॉप एग्जाम्पल के साथ, एरे डॉट पॉप एग्जाम्पल के साथ, ठीक है, पुश जो मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है, शिफ्टिंग एलिमेंट, शिफ्ट एंड शिफ्ट, सही है, शिफ्ट एंड शिफ्ट के अलावा क्या है, और लेंथ डॉट लेंथ आपको कैसे मिलेगा, एरे डॉट डिलीट, सही है, ये डिलीट का एक मेथड है। अच्छा, एरे डॉट कॉनकैट, कॉनकैट से क्या होता है, दो मुख्तलिफ एरे को अगर आपको जोड़ के एक करना है तो उसके लिए कॉनकैट यूज़ होता है, ठीक है। दो एरे को जोड़ सकते हैं आप, एक नॉर्मल चीज, एक नॉर्मल वैल्यू को आप नहीं जोड़ सकते, कॉनकैट के जरिए जोड़ना है तो दोनों एरे होने चाहिए, ठीक है। वेल अभी मैं करके नहीं दिखा रहा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है और विद एग्जांपल लिखा हुआ है, इसकी एग्जांपल आप जस्ट देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्या कर रहा है, ठीक है। कॉनकैट हमने देख लिया, स्प्लाइस है, स्प्लाइस किस लिए इस्तेमाल होता है, एरे के दरमियान में अगर कोई वैल्यू आपको रिमूव करनी हो या ऐड करनी हो तो उसके लिए स्प्लाइस इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये देखें ना, स्प्लाइस के अंदर इन्होंने तीन नंबर दिया हुआ है, एक नंबर, दो नंबर और वैल्यूज़ दी हुई हैं। ये इसका इंडेक्स है कि कहाँ पे जाके ये ऑपरेशन करना है, उसके बाद ये है कि कितनी वैल्यू वहाँ से रिमूव मारनी है और उसके बाद कौन कौन सी वैल्यू ऐड करनी है वो। तो रिमूव इसने कोई नहीं किया, इसने बोला जस्ट ऐड करो यहाँ, ठीक है। तो ये सारे मेथड्स हैं एरे के, ठीक है। अब एरे देखो, मेथड के नीचे और भी आ रहा है, सॉल्ट, एरे पे डॉट सॉल्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। एरे डॉट रिवर्स, रिवर्स क्या करता है कि एरे में जो वैल्यू इंडेक्स वन पे, इंडेक्स टू पे, तो उसको रिवर्स कर देता है, जो आखिरी होता है उठा के उसको पहले पे ले आता है और पहले को उठा के आखिरी पे ले जाता है और अकॉर्डिंगली पूरे एरे को रीअरेंज करता है रिवर्स रिवर्स फॉर्म में, ठीक है। न्यूमेरिक सॉर्ट जो है, अगर नंबर एरे के अंदर है, एक तो है ना स्ट्रिंग होगा तो उसको सॉर्ट कैसे करेगा, वो डिक्शनरी ऑर्डर में करेगा, ठीक है। लेकिन अगर नंबर्स हैं तो नंबर्स को सॉर्ट ऐसे करेगा ये। तो ये एरे के सारे मेथड्स हैं, ये मैंने आपको लिस्ट यहाँ पे दिखा दिए और इसका मैं लिंक वहाँ पे ऐड भी कर देता हूँ ताकि आप जब भी ओपन करें, ऑल एरे मेथड्स, ठीक है, ये मैंने लिंक यहाँ पे अटैच कर दिया है ताकि आप जब भी यहाँ पर आए तो आपको ये सारे मेथड नजर आ जाए, सही है जी। यहाँ तक किसी का कोई सवाल, मेथड से मुताल्लिक किसी का कोई सवाल,
अच्छा मेथड के मुताबिक बताता चलूँ कि ये जो पुश है ना ये एरे पे ही मिलेगा आपको डॉट पुश। एरे के अलावा किसी नॉर्मल वेरिएबल पे आप डॉट पुश कॉल करेंगे तो आपको वो एरर दे देगा कि भाई ये जो है ना एरे नहीं है, आप इस पर पुश कॉल नहीं कर सकते, ठीक है, वो आपको एरर दे देगा। पॉप इसी तरह, पॉप भी सिर्फ एरे का ही मेथड है। अच्छा हाँ अनशिफ्ट। अच्छा कुछ मेथड ऐसे हैं जो दूसरे पे भी होते हैं, जैसे लेंथ है ना, लेंथ स्ट्रिंग पे भी मिल जाता है आपको, यानी स्ट्रिंग का एक वेरिएबल है उस पर भी जब आप डॉट लेंथ कॉल करेंगे तो आपको वो स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर हैं वो काउंट करके बता देता है, ठीक है। तो कुछ मेथड ऐसे होते हैं जो दूसरे पे भी चलेंगे लेकिन ज़्यादातर जो है वो सिर्फ एरे पे ही काम करते हैं, मेथड्स में से बात कर रहा हूँ। अच्छा तो ये हो गया जनाब हमारा एरे का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट। अच्छा अब चूंकि एरे के साथ साथ हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, लूप की ज़रूरत पड़ती है, तो हम ना लूप का आज हेलो वर्ल्ड कर लेते हैं, फिर हम लूप को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, ताकि ओवरवेलमिंग ना हो जाए, क्योंकि आज हमने पूरा एरे कवर किया और लूप भी अगर हमने पूरा कवर किया तो फिर शायद समझ में ना आए, तो मैंने यहाँ पे बोला लूप। अच्छा लूप चलाने के ना हम दो तरीके कवर करेंगे इंशाल्लाह इस क्लास में, एक है फॉर लूप, नहीं व्हाइल लूप, ठीक है, एक हम करेंगे फॉर लूप एंड मैप, सही है। ये दो वो तरीके हैं जो हम यूज़ कर रहे होंगे हमारी क्लास में। अच्छा तो फॉर लूप से हम शुरू करते हैं। अच्छा फॉर लूप जो है ना, लूप क्या होता है सबसे पहले तो सवाल ये, व्हाट इज अ लूप, जब अंग्रेजी में लूप किस चीज़ को कहते हैं, एक चीज़ का बार बार होना उसको लूप कहते हैं, और बाकी लोग अपना ओपिनियन दें प्लीज। ये मैंने ना गूगल पे जाके लिखा है लूप की डेफिनेशन क्या होती है। कह रहे हैं कि अ शेप प्रोड्यूस्ड बाय अ कर्व दैट बेंड्स अराउंड द क्रॉसेस इटसेल्फ। कह रहे हैं कि ऐसा शेप जो ऐसे मुड़ा हुआ, जैसे एक लकड़ी होती है ना सीधी होती है, उसको अगर मैं मोड़ दूं, ये एक सरिया होता है सीधा होता है, उसको मैं मोड़ के इतना मोड़ दूं कि दोनों किनारे उसके आपस में मिल जाए, यानी वो एक सर्कल टाइप की कोई चीज़ बन जाए, परफेक्ट सर्कल तो नहीं लेकिन उसके दोनों कॉर्नर्स आपस में टच हो जाए, तो दैट शेप इज कॉल्ड लूप। अच्छा इसमें जुमला इन्होंने क्या बताया, मेक अ लूप इन ट्वाइन, ट्वाइन पता नहीं क्या होता है। अच्छा A structure, series or process that end which is connected to beginning. A feedback loop. नहीं ये ट्विन वो वाला नहीं है, वो तो टी डब्ल्यू आई एन होता है, इसमें ई भी लगा हुआ है, उसमें एस भी लगा होता है, टी डब्ल्यू आई एन एस होता है ट्विन्स, क्योंकि ट्विन जो है ना वो सिंगुलर वर्ड नहीं है, प्लूरल वर्ड है, ऐसा लगता है। अच्छा वेल अच्छा जैसे फीडबैक लूप होता है, कह रहे कोई भी ऐसा प्रोसेस जो घूम के दोबारा शुरू में आ जाता हो उस प्रोसेस को भी हम लूप कहते हैं। मिसाल के तौर पे फीडबैक लेने का जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि एक प्रोडक्ट कंपनी बना के मार्केट में रिलीज़ करती है, उसका जो यूज़र होता है वो फीडबैक देता है कि यार इसमें ये मसले हैं, ये मसले हैं, तो जब वो मसले आते हैं तो फिर उसको फिक्स करके एक नया वर्जन रिलीज़ किया जाता है, फिर फीडबैक आता है, तो ये प्रोसेस चलता रहता है, ये रुकेगा नहीं कभी भी, जब भी कोई नया वर्जन आएगा उसका फीडबैक आएगा और जब फीडबैक आएगा तो उसी से ही नया वर्जन आता है, ठीक है, तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है ये। तो हमने लूप की डेफिनेशन देखा कि भाई एक ही काम अगर बार बार हो रहा हो सिंपल अल्फाज में तो उसको हम लूप कहते हैं। अच्छा प्रोग्रामिंग में हमें लूप की ज़रूरत कहाँ पर पड़ सकती है, प्रोग्रामिंग में हमें आमतौर पे लूप की ज़रूरत कहाँ पे पड़ सकती है। मिसाल के तौर पे मुझे अगर कोई काम है जो 10 दफ़ा करवाना है,
जैसे कॉन्सोल डॉट लॉग है, मुझे स्क्रीन पे एक से लेके दस तक की गिनती प्रिंट करानी, तो मैंने एक लिखा, उसके बाद दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, फिर छः, फिर सात, ठीक है, आठ, नौ और लास्ट में दस। मुझे एक से लेके दस तक नंबर प्रिंट करवाना है, तो मैं इस तरह से करवा सकता हूँ, नॉट अ बिग डील, करवा भी लिया मैंने, चला के भी देख लेते हैं इसको। ये नंबर प्रिंट होगा एक से दस तक। अब सवाल ये है कि मुझे अगर ये 10,000 तक प्रिंट करवाने होंगे फिर मैं क्या करूँगा, 10 तक तो मैंने करवा लिया, 10,000 तक करवाने होंगे फिर मैं क्या करूँगा। तो मुझे जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई ऐसी स्टेटमेंट चाहिए कि अगर एक ही काम मुझे बार बार करवाना हो ना, तो मैं जस्ट उसको ये बोल दूँ कि भाई इतनी बार करवाओ और वो उसको कर दे। कोई ऐसी स्टेटमेंट मुझे चाहिए। अच्छा, तो मैं अब यही काम इसको मैं रोक देता हूँ। इसके लिए मेरे पास फॉर का एक स्टेटमेंट मौजूद है। अच्छा, फॉर का स्टेटमेंट मैं आपके सामने लिख देता हूँ और फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि वो क्या है। अच्छा, अब ये जो मैंने आपके सामने लिखा है ना कोड, थैंक यू, ज्यादा जूम इन कर दिया मैंने। अच्छा, ये जो कोड लिखा हुआ है ना, सबसे पहले तो है फॉर का कीवर्ड। जब ये फॉर का कीवर्ड देखेगा जावास्क्रिप्ट, तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, ये लूप की स्टेटमेंट शुरू होने वाली है। अच्छा, तो जैसे ही फॉर का कीवर्ड उसने देख लिया, अब अगला उसके पास रिक्वायरमेंट क्या है, वो आपसे क्या मांगेगा, एक पैरेंथेसिस ओपन और उसके बाद पैरेंथेसिस क्लोज, और उसके दरमियान में कुछ बातें लिखी हुई है जो इस वक्त अकड़म बकड़म सा कुछ लग रहा है, लेकिन आप थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा ये सब क्या है। अच्छा, इसके ना तीन पोर्शन है। ये है पहला पोर्शन, उसके बाद लगा हुआ सेमी कॉलन, फिर उसके बाद ये दूसरा पोर्शन है, उसके बाद भी लगा हुआ सेमी कॉलन, उसके बाद ये तीसरा पोर्शन है। इन तीनों पोर्शंस के नाम हैं, पहले पोर्शन का जो नाम है वो क्या है, इनिशियलाइजेशन पार्ट या इनिशियलाइजेशन सेक्शन या जो भी बोल रहे हैं इसको। तो ये पहला वाला इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है। अच्छा, सेकेंड वाला जो है ये है कंडीशन चेकिंग, और थर्ड वाला जो है ये क्या है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये समझ में आ गया कि लूप के तीन पार्ट हैं। अच्छा, फिर ये है लूप की बॉडी, ये जो कर्ली ब्रैकेट शुरू है ना ऐसे और कर्ली ब्रैकेट खत्म है, ये लूप की बॉडी है। लूप की बॉडी में बिल्कुल इफ की बॉडी की तरह कि जो भी इस बॉडी के अंदर लिखा होगा वही कोड असल में रिपीट हो रहा होगा। अब वो कैसे रिपीट हो रहा होगा वो भी देखते हैं। जो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट है ये सिर्फ पहली दफा चलेगा, उसके बाद दोबारा ये कभी भी नहीं चलेगा। जब फॉर लूप स्टार्ट होगा ना यहाँ से, तो ये सिर्फ पहली दफा चलेगा, उसके बाद दोबारा ये कभी भी नहीं चलेगा। उसके बाद होगी कंडीशन चेकिंग। अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये कंडीशन, अच्छा ये क्या कंडीशन ट्रू है अभी कौन बताएगा, क्योंकि इनिशियलाइजेशन वाले में एक वेरिएबल बन गया था i और उसके अंदर जीरो मौजूद है। अब कंडीशन ये चेक हो रही है कि आई छोटा है और 10 बड़ा है, तो हाँ ये कंडीशन तो ट्रू है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये क्या करेगा, ये बॉडी को एक बार रन कर देगा। ये इतना कोड जो है ना बॉडी का, ये लाइन नंबर 29 से ये शुरू है और लाइन नंबर 31 पे ये बॉडी ख़त्म है, इतने कोड को ये एक दफ़ा रन कर देगा। जैसे ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, इसको कोड को एक दफ़ा ये रन कर देगा। जब ये कोड रन हो जाएगा कम्प्लीटली, उसके बाद ये तीसरे पोर्शन में आएगा और ये क्या करेगा, तीसरे पोर्शन में जो भी बात लिखी हुई है उसको एक दफा रन कर देगा। ठीक है, ये तीसरा पोर्शन क्या कहलाता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट इसको कहते हैं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वाला पार्ट।
अच्छा इस पॉइंट पे आके एक साइकिल इसका कंप्लीट हो गया, लूप का एक साइकिल इस पॉइंट पे आके कंप्लीट हो गया। अच्छा अब अगला साइकिल शुरू होगा, अगले साइकिल में क्या इनिशियलाइजेशन चलेगा दोबारा? नहीं, क्योंकि इनिशियलाइजेशन सिर्फ पहली दफा चलता है, तो अब डायरेक्ट कंडीशन चेकिंग होगी। अब आई में क्या हो चुका है इस वक्त, प्लस प्लस तो होने के बाद वन हो चुका है, क्या अभी भी ये कंडीशन ट्रू है? कंडीशन जैसे ही ट्रू होगी ये बॉडी एक दफ़ा और चल जाएगी, बॉडी जब कम्प्लीटली रन हो जाएगी उसके बाद क्या होगा, इंक्रीमेंट वाला पार्ट चला। अब वन में क्या हो चुका, आई में क्या हो चुका है, अब टू हो चुका है, ठीक है दोबारा कंडीशन चेक होगी, अभी भी ये कंडीशन ट्रू है, बॉडी को एक दफ़ा और रन कर देंगे। अच्छा अब बॉडी में देखो हो क्या रहा है, बॉडी में प्रिंट हो रहा है यही आई, तो इस दफ़ा जब ये चलेगा तो आई में जो मौजूद है क्या मौजूद है, टू मौजूद है, तो टू प्रिंट हो जाएगा, पहले जीरो हुआ था फिर वन हुआ था फिर टू, तो इसका मतलब है स्क्रीन पे गिनती प्रिंट होती जा रही है भाई, इसका मतलब ठीक है। अच्छा आप करते करते ये पहुंच गया किस पे, नाइन पे पहुंच गया, नाइन प्रिंट हो गया, नाइन यहाँ पे प्रिंट हो गया, उसके बाद इंक्रीमेंट वाले पार्ट पे गया, इसको इसने क्या कर दिया, नाइन को प्लस किया तो टेन हो गया। अब ये साइकिल एक कंप्लीट हुआ, अब अगला साइकिल यहाँ चला, अब आई में टेन है और उस तरफ भी टेन है, अब क्या ये कंडीशन ट्रू है, इस पॉइंट पे ये कंडीशन आके फॉल्स हो गई है। तो जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी ये डायरेक्ट कहाँ पे आ जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा, ये जो लूप में फंसा हुआ था ना गोल गोल घूम रहा था, ये लूप से बाहर आ जाएगा और लाइन नंबर 32 पे पहुंच जाएगा। तो ये हमने फॉर लूप काम कैसे करता है उसको हमने डिस्कवर किया, उसको ड्राई रन करके हमने देखा है कि एक फॉर लूप की स्टेटमेंट चलती कैसे, ठीक है। अच्छा तो इसको चला के भी देख लेते हैं कि क्या वाकई ऐसा ही हो रहा है। रिफ्रेश किया मैंने, देखो जीरो से नाइन तक हुआ, टेन वाले पे बॉडी चली नहीं, टेन वाले पे बॉडी चली नहीं है, जीरो से लेके नाइन तक प्रिंट हुआ, नाइन पे आके खत्म हो गया। और मुझे अगर इसको 10,000 दफा प्रिंट करवाना है तो जीरो बढ़ा दूंगा बस मैं तीन यहाँ पे, और यहाँ पे जब मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये देखो इसने 9,999 तक रन कर दिया, 10,000 पे आके फॉल्स हो गया। मैं कह रहा हूँ नहीं मुझे पूरे 10,000 तक कराना, तो मैं क्या करूँगा, ये 10,000 एक कर दूंगा इसको, इक्वल टू भी लगा सकते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर तो पढ़ा हुआ है आप सबने, मैं 10,000 एक नहीं लगा रहा, 10,000 पूरी रखता हूँ, मैंने कहा लेस देन और इक्वल टू तक भी चले तो भी ये पूरे 10,000 तक चल जाएगा, ठीक है सही है। मतलब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि यहाँ पे इक्वल टू भी लगा देंगे, इससे मुझे ये पता चली कि जो मैंने बात अभी ये बताई है वो समझ आ गई आपको, ठीक है। इससे मुझे ये पता चला कि आपको जो मैंने बात बताई है अभी वो आप अच्छी तरह समझ चुके हैं, जब आप अच्छी तरह बात समझ जाते हैं जब ही आप आगे जाते हैं उसके। अच्छा अब मुझे काम करना है छोटा सा, इसको मैं वापस 10 तक कर देता हूँ, ठीक है कि जीरो से लेकर 10 तक चले। अच्छा लूप हमेशा मैं शुरू करवाता हूँ जीरो से बाई बने, क्यों कि लूप बना है एरे के लिए, एरे बना है लूप के लिए, तो इसलिए हमें आदत डालनी पड़ेगी शुरू से ही कि लूप हमेशा जीरो से चलाऊँ। मैं इसको वन से भी चला सकता हूँ लेकिन मैं वन से नहीं चलाऊंगा, इसको मैं जीरो से चलाऊंगा। अगर मुझे यहाँ पे वन से चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्लस वन लगा लूँगा ऐसे, लेकिन लूप चलाऊँगा जीरो से ही, ठीक है। ये बेस्ट प्रैक्टिस की बात है कि कोशिश करें आप लूप हमेशा जीरो से चलाएं। अच्छा अब मेरा क्या सवाल है, मेरा सवाल ये है कि कौन मुझे बताएगा कि अभी जो ये स्क्रीन पर प्रिंट होता है ना जीरो से लेकर टेन तक, मुझे टू की टेबल प्रिंट करवानी है, टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, पूरे टेन तक प्रिंट करवानी है, क्या लिखूँ मैं बताऊँ यहाँ पे। ये मैंने टेम्पलेट बना लिया, सबसे पहले तो टू लिख देता हूँ, उसके बाद एक एक्स लिख देता हूँ, उसके बाद फिर टेम्पलेट में आई लिख देता हूँ। तो अब देखो प्रिंट क्या हो रहा होगा, टू मल्टीप्लाई पहली दफा में जीरो होगा, ठीक है, टू मल्टीप्लाई बाई जीरो इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, टू मल्टीप्लाई बाई वन इक्वल्स टू, टू मल्टीप्लाई बाई टू इक्वल्स फोर। अब फोर मैं यहाँ कैसे प्रिंट कर रहा हूँ, कौन बताएगा कि कैसे मैं फोर लेकर आऊँ यहाँ पर, हर दफा मुझे अलग अलग चाहिए ना, आई मल्टीप्लाई टू, सही है कि आई में जो भी है उसको टू से मल्टीप्लाई कर दो, तो टू फाइव सा, ठीक है, टू मल्टीप्लाई बाय फाइव,
ठीक है, टू को मैं पहले कर देता हूँ, मेक सेंस ज़्यादा रहेगा. टू फाइव ज़ा और टू मल्टीप्लाई बाई फाइव जो भी आता है. तो यहाँ पे टू की टेबल देखते हैं प्रिंट हो जाती है कि नहीं हो जाती. हो गई. अब आपका असाइनमेंट क्या है आज का? असाइनमेंट आपका ये है कि आपने एक ऐप बनानी है, आपने एक वेबसाइट बनानी है, जिसमें आप क्या करेंगे, यूज़र से एक अदद नंबर इनपुट लेंगे और यूज़र जितना नंबर बोलेगा, यूज़र ने बोला फाइव तो उसको फाइव की टेबल प्रिंट होकर दिख जाए, अगर यूज़र बोले टेन तो उसको टेन की टेबल प्रिंट होकर दिख जाए. हो जाएगा ये, है ना? ये जो टू लिखा था मैंने हार्ड कोडेड यहाँ पे, ये टू अब कहाँ से मिलेगा आपको? यूज़र से इनपुट मिलेगा. यही होगा ना भाई, इस टू की जगह जो नंबर लिखा होगा इस टू की जगह उसी का टेबल प्रिंट होगा. तो मैं यूज़र से इनपुट लेके यहाँ पर रख दूंगा वो वाला, टू की जगह पे अपना वेरिएबल डाल जाएगा आपका. इतना आसान है, ठीक है. अच्छा दूसरी बात, एक तो ये हो गया, ये तो बहुत सिंपल है ना, लेकिन कि आप नंबर लिखा और टू की टेबल प्रिंट होगा या फाइव की टेबल, और वो मैंने बता भी दिया कैसे होगा. एक दूसरा नंबर भी साथ में हो, साथ में कि कितनी दफ़ा टेबल रन करें. एक तो है ना कि भाई टू की टेबल है, लेकिन कितनी बार चले, दस बार चले या बीस बार या पचास बार, उसमें पहले से टेन लिखा हुआ रहा हो, अगर यूज़र कुछ एंटर ना करे तो टेन पहले से भी लिखा हुआ रहा हो. पहले से कैसे लिखा हुआ जा सकता है? कोई भी इनपुट बॉक्स बनाते हो तो उसमें अगर पहले से कोई वैल्यू लिखा के दिखानी है तो वो कैसे दिखाते हो? प्लेस होल्डर. नहीं, प्लेस होल्डर में तो लिखा हुआ तो आ रहा होता है, लेकिन वो क्लिक करते हैं तो गायब हो जाता है. वैल्यू करके दोगे ना टेन, तो देखो ये एक बना हुआ आएगा टेक्स्ट बॉक्स, देखो पहले से टेन लिखा हुआ आ रहा है इसमें. जब मैं क्लिक करूंगा ना तो मैं जो लिखूंगा इसके आगे से लिखाएगा वो, समझ गया ना? तो एक और भी बात लिखी भी आ रही हो जिसमें बाई डिफॉल्ट टेन लिखा हुआ, कि कितनी बार टेबल रन करना है, विच टेबल, हाउ मेनी टाइम्स, दोनों चीज़ें. अच्छा तो अब ये हाउ मेनी टाइम जो तुम्हें मिलेगा इनपुट, ये कहाँ रखवाओगे? कितनी बार लूप चलाना है वहाँ पे, इस जगह पर रखवाओगे. हो गया मसला ये वाला भी, ठीक है. तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ये वाला बना कर रहेंगे, ठीक है. तो ये हमने फॉर लूप करा, अभी हेलो वर्ल्ड कर लिया इस पॉइंट में. अच्छा अगली क्लास में हम फॉर लूप को मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है. फॉर लूप के एक एक सेक्शन को हम मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे कि भाई अगर इंक्रीमेंट वाला पार्ट, ये जो है जो इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट, अगर मैं ये सिरे से दूँ ही ना तो क्या होगा, अगर ये कंडीशन चेकिंग में मैं डायरेक्ट हाथ से ट्रू लिख दूँ तो क्या होगा, या अगर ये पार्ट मैं बिल्कुल ही ना दूँ तो क्या होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला पार्ट खाली छोड़ दूँ तो क्या होगा, ठीक है. कौन सा सेक्शन रिक्वायर्ड है, कौन सा नहीं है, तो छोटी 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 जितनी इसमें डिटेल्स हैं इंशाल्लाह वो सारी हम अगली क्लास में कवर करेंगे. और अगली क्लास में ही हम कोशिश करेंगे कि जो एरे का डेटा टाइप है वो लूप के साथ मिल के कैसे चलता है उसको भी डिस्कस कर लें, अगली क्लास में हम कोशिश करेंगे, ठीक है. और किसी का अगर इस एरे से मुतालिक कोई सवाल है तो वो अभी पूछ सकता है, अदरवाइज़ फिर हम जो है ना ख़त्म करते हैं क्लास को. है सवाल है किसी को कोई? अच्छा ये कोड मैं पुश कर रहा हूँ, क्लास के कोड का एक्सेस आप सब लोगों को मौजूद है. अच्छा जो असाइनमेंट आप बना के लाएंगे उसका रूल पता है आपको कि गिटहब में पुश होना चाहिए, होस्टेड होना चाहिए? आज क्या था असाइनमेंट भाई? दर हाँ वो भी चलो नेक्स्ट में चेक करता हूँ मैं. सही है, चलो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में.